गुरु रामदास जी, मैं आपके दर पर आ गया, मैं आपका कुत्ता आपके दर पर आ गया, आपके यहाँ अपनी नाक रगड़ने आया महाराज, मुझे माफ कर दो, बख्श लो। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु रामदास का दर दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा दर है। इस दर से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं मुड़ा है। गुरु रामदास जी के दर पर जाकर आपको सिर्फ ये तीन पंक्तियां गुरु जी के सामने पढ़नी है। तीन वचन जरूर कर लिया करिया जी कि धन गुरु रामदास। पहला वचन ये सिफत हो गई, धन गुरु रामदास रखी गरीब दी लाज, ते तीजा शब्द सी करी ना किसी दा मुताज। धन गुरु रामदास जी रखी गरीब दी लाज, ना रखी किसी दा मुताज। धन गुरु रामदास, और हम गुरु के कुत्ते बनकर गुरु रामदास के दर पर जाएंगे, वहां से गुरु से सौगाते मांगेंगे और गुरु हमारी झोली भर भर कर हमें देता है। हमें मांगने का तरीका आना चाहिए, जैसे ही हमें मांगने का तरीका आ जाता है तो गुरु रामदास हमारी झोलियां भर देते हैं। आपने वीडियो देखा, वीडियो के अंदर कोई सिख भाई है जो लिख रहा है, वो सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, ये हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि यह व्यक्ति जो भी है ये गुरु रामदास के दर को सबसे ज्यादा पूछता है, जो लिख रहा है धन गुरु रामदास जी रखी गरीब दी लाज करी ना किसे दा मोहताज। यह तीन पंक्तियां अपने आप में बहुत बड़ी पंक्तियां हैं। इन्हीं सारी पंक्तियों में गुरु रामदास जी का कौतक छुपा हुआ है। गुरु रामदास जी के दर से कितने अमीर कितने गरीब सब तंदुरुस्त होकर जाते हैं। गुरु रामदास जी के दर पर पिंगले स्नान करके सही होकर निकलते हैं। इसीलिए कहते गुरु रामदास के दर पर जाओ, सर झुका कर जाओ, दोनों हाथ खोल कर जाओ, दोनों हाथ फैलाओ उनके सामने। गुरु रामदास के दर से जो भी मांगोगे आपको मिलेगा। गुरु रामदास के दर से कभी कोई भी निराश नहीं वापस आया है। गुरु रामदास के दर के कौतक आपने एक के बाद एक देखे हैं। हमारे चैनल के ऊपर भी आपने कितने सारे वीडियो देखे हैं। श्री दरबार साहिब की दर्शनी ड्योढ़ी के ऊपर सोने से लिखा हुआ एक बोर्ड भी लगा हुआ है जहाँ पर के वो गायब हो जाती है। ये रोशनी उस समय आई थी जब दरबार साहिब को अंग्रेजी अफसर बेचने आया था कि गुरु रामदास का दर शक्ति भक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है, बड़ा घर है। ये वीडियो मुझे तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, इस वीडियो को मैंने संभाल कर रखा हुआ है। सोचा था कभी समय आने पर आप सभी के साथ इस वीडियो को साझा करूंगा, तो आज एक पुराने डिवाइस के अंदर से मैंने इस वीडियो को निकाला है। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं पीछे जो बैकग्राउंड में स्क्रीन है इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पे लिखा है गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी रखी गरीब दी लाज, ना रखी किसे दा मोहताज। ये छोटा सा वीडियो आपको गुरु रामदास के दर की शक्ति का आभास करवा देता है। वीडियो में लिखने वाला आर्टिस्ट कोई और है और वीडियो के अंदर जो आवाज चलती है वो आवाज है भाई ज्ञानी भाई पिंदरपाल सिंह जी की। ज्ञानी भाई पिंदरपाल सिंह जी सिख प्रचारक हैं, कथा करते हैं, कथावाचक हैं, और वो इतनी डीपली कथा करते हैं ना आपका दिल रोने लग जाएगा। वो आपकी जो फीलिंग है उस फीलिंग को उस स्थान के ऊपर ले जाते हैं। ये कोई इकलौता एक ऐसा किस्सा नहीं है श्री दरबार साहिब हरिमंदर साहिब के गुरु रामदास के दर का। गुरु रामदास के दर को सिप्ती का घर भी कहा जाता है। गुरु रामदास के दर से कभी कोई खाली हाथ वापस नहीं आता है। अगर आपको कभी शक हो कि गुरु रामदास के दर से जो मेरी फरियाद है, जो गुरु रामदास के दर पर मैं जाकर लगाऊंगा, क्या वो पूरी होगी या नहीं होगी, तो अगर आपको ऐसा कोई डाउट हो तो सबसे पहले आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी डाउट हो कि गुरु रामदास के दर पर जाकर मेरी अरदास नहीं पूरी होगी, तो मैं हाथ जोड़ के बेनती करूंगा, एक बार आप वहां पर जाओ, सच्चे मन से जाओ। गुरु रामदास के दर पर जो भी आज तक गया है वो कभी खाली हाथ नहीं आया है। गुरु रामदास सौगाते झोलियां भर भर के ऐसे भर भर के लुटाते गुरु रामदास जी। गुरु रामदास के दर से बड़ा कोई दर नहीं है इस दुनिया में। वीडियो बनाना था, काफ़ी लंबे समय से इस फाइल को हमने संभाल कर रखा, इस वीडियो को इसीलिए आपके सामने लाएं कि ताकि कुछ लोग इस चीज़ के ऊपर आज किंतु परंतु करते हैं। हमने एक वीडियो डाला था वासु भारद्वाज का, तो वो सुखमनी साहब का पार्ट सुन के ठीक हो गए, उनके अंदर एक सफ़ेद रोशनी अंदर आई। एक लड़का और गया, उसकी आवाज़ चली गई थी तो वो बोलने लग गया, गूंगा बच्चा बोलने लग गया। हजारों ही ऐसे कौतक है गुरु रामदास जी के दर पर जो गुरु रामदास जी समय समय पर संगत को दिखाते रहते हैं। सिर्फ आपका जो मन है, मन की आंखें खुली होनी चाहिए, आपके अंदर वो श्रद्धा होनी चाहिए जिससे आप गुरु रामदास जी के दर पर जाकर उन कौतक को स्वयं देख सके। गुरु रामदास के दर के बिना हमारा जो जीवन है वो अधूरा है।
गुरु रामदास के दर के बिना जीवन की कोई वैल्यू ही नहीं है। आप जाओगे वहां तो जैसे ही आप दरबार साहिब पहुंचते हो तो जब आप दर्शनी ड्योड़ी की तरफ देखते हो या सामने दरबार साहिब को देखते हो तो आपका दिल ऐसे करता है यार मैं पहुंच गया, मैं इसी स्थान के यहीं पर आना चाहता था। तो आप जब वहाँ का वो दृश्य देखते हो ना, जब बाहर से आप अंदर दाखिल होते हो वहाँ पर जब आप जाकर देखोगे माथा टेकने के लिए सोचोगे गुरु रामदास जी मैं आपके दर पर आ गया, मैं आपका कुत्ता आपके दर पर आ गया, आपके यहाँ अपनी नाक रगड़ने आया, महाराज मुझे माफ़ कर दो, बख्श लो, बस इतना ही कहना है। गुरु रामदास तो वैसे ही आप जाओ वहाँ पर आपके मुंह से आपकी फरियाद भी नहीं निकलती, आप मन में ही सोचते हो तो वो मन से ही आपकी बात को समझकर आपकी उन मुरादों को पूरा कर देते हैं। गुरु के दर पर हम भिखारी हैं, हमें भिखारी बनकर जाना होता है गुरु के दर पर, हमें दिखाने नहीं जाना होता कि हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत अमीर हैं, हमारे पास इतना पैसा है, नहीं। गुरु रामदास के दर पर, गुरु रामदास के दर से कोई बड़ा दर ही नहीं है, कोई दर नहीं है उनके दर से बड़ा। वहाँ पर सच्चे मन से जाओ सब कुछ मिलेगा। ये वीडियो आपने देखा, ये वीडियो इस सच्चाई को बयान करता है कि गुरु रामदास जी के दर पर आपने कहना है गुरु रामदास जी, धन हो आप गुरु रामदास जी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें और वीडियो को लाइक करने के बाद, कमेंट करने के बाद व्हाट्सएप में शेयर जरूर करना।